चलिए चलिए साथियों, इसी ट्रैक्टर में ट्रॉली में सांप पॉकेट से उठ गया है। ये एक्चुअली सेंचुरी है, बहुत ही बड़ा सेंचुरी है, जहां खास करके साथियों, एक्चुअली हम लोग रेस्क्यूअर हैं, फोन से सूचना दिया था। बाबू इधर इधर हटिया, देखिए इसी ट्रॉली में कहीं सांप कूद करके वॉकेट के मुताबिक इसमें आ गया है, पता नहीं कौन सा सांप है। धीरे 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 डाउन कीजिए, और थोड़ा पीछे ले लीजिए, पीछे ले लीजिए। साथियों ग्रामवासी के सूचना पर आए हैं, थोड़ा ग्रामवासी लोगों को दिखलाया जाए। ये जितने भी हैं सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोग के सूचना पर आए हैं, वॉकेट के माध्यम से कुछ सांप ट्रॉली में आ गया है। थोड़ा सा भैया ट्रॉली को डाउन करवाइए, पकड़िए भैया, बस 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 बस, वो जरा हमारा बैग दीजिए सांप रखने वाला। आस्ते 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 इसमें चढ़िए आप लोग, लीजिए। चलिए भैया आस्ते आस्ते उसको उठाइए, उठा उठा हेरोई उठा, हल्का हल्का उठाएंगे, आस्ते आस्ते उठाइएगा। कौन से नाराज को पाए गए थे, जब जब धीरे धीरे उसको बोलूंगा, है आस्ते आस्ते, हाँ आप इशारा दीजिए, दीजिए आस्ते 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 आस्ते, उठाइए उठाइए। तो नहीं है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत सारे भरी बोले। सांप तो लगता है झूठ बोल रहे हैं आप लोग, अरे भाई सांप है ये नहीं है, और धीरे धीरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक वो सांप है, हम लोग देखे हैं पॉकेट में, बहुत मोटा सांप है। ये सांप लास्ट दबाए, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आगे तरफ होगा आगे तरफ आया है, आगे तरफ लास्ट पॉकेट में था। अच्छा चलिए, आज लोगों का कहना है कि लास्ट पॉकेट में उठा हुआ। साथियों ये रसल वाइपर की तरह दिखने में सेंट बोआ, ये सेंचुरी है, जहां तहां बिल में सांप ही सांप भरा हुआ है, ये भी सेंट बोआ जो रसल वाइपर की तरह दिखता है। रेसल वाइपर है सर, ये काटने से लोग बचते नहीं है, क्या होता है इसके काटने से वो जगह फूलना, पीज भरना, मांस गैंगरिंग होना, फिर वो जगह सड़ना गलना शुरू हो जाता है। चार रेसल वाइपर और एक दो सेंट बोआ, और हो सकता है थोड़ा उठाइएगा और होगा सांप ऑपरेटर। चलिए भैया जाइए उठाइए, जा रहे उठा रहे ड्राइवर के नाम, इधर इधर थोड़ा सुजा जी चेक कर दीजिए, नहीं हाँ चेक कीजिए अगर हो सकता है कहीं, मान लीजिए तुम ही जाओ, थोड़ा हम लोग का चेक डंगवा भी लीजिए मामा, इधर कर लीजिए इधर। देखिए यहाँ मछली पालन केंद्र है, जो युवा पीढ़ी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, युवा वर्ग बेरोजगार हो गए हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ है। चूना मारो, इसके बारे में कुछ बोल दीजिए, चूना मार रहा, पानी फिल्टर करने का चूना, पानी अगर डीबीसी चाहे तो अपने तरफ से युवा पीढ़ी को रोजगार दे सकता है, इसके लिए प्रयास जारी है, खास करके यहाँ जनप्रतिनिधियों का। उठाइए आराम से उठाइए
उठाइए उठाइए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक दिखाई मिला लग रहा है कहाँ पर, रुक जाइए रुक जाइए, उठाइए पत्थर उठा पत्थर, चलिए चलिए उठाइए पत्थर था, उठाइए उठाइए भैया उठाइए, काम जारी है साथियों। तो हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां नाटक देखकर सब लोग रोते हैं और हकीकत देखकर सब कहते हैं कि ये नाटक है। जा 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 जा। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और है या नहीं है, थोड़ा सर्च कर ले रहे हैं, अच्छा होगा हम लोगों के लिए। साथियों हमें नहीं लगता है कि और सांप है इसमें, चलिए क्या हो गया काम तो नहीं काटे, हाँ पहना हुआ था ना, हाँ चलिए चलिए हटिए अगर हो, हाँ हाँ दूर दूर पैर दूर रखिए, देख लो बढ़िया क्या काटा क्या पता, जलन हो रहा है, नहीं जलन नहीं हो रहा है, और नहीं है विकास क्या होगा देखा बेटा, फिर एक नए वीडियो में हम लोग आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। साथियों आपने देखा जान जोखिम में डालकर किस तरह हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, इस मुहिम में आप लोग हमसे जुड़े हैं और इस चैनल में नए हैं तो मुबारक स्नेक से भर और सुजय स्नेक से भर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें रसल्स भाई पर है ये भी नहीं मालूम, सांप का रेस्क्यू टोंग चाहिए तो आप 9333320555 पर कॉल कर, फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ना करें, ये एक यंत्र है साथियों और इस यंत्र के माध्यम से बहुत सारे सांप को हम लोग रेस्क्यू करते हैं। सांपों से इंसानों को बचाना और इंसानों को सांपों से बचाना यही मुहिम का हिस्सा है। देखिए ये है सेंट बोआ जिसे हम लोग कुथर सांप बाड़ू सांप के नाम से जानते हैं, सेंट बोआ की तरह दिखने वाला रसल वाइपर, क्योंकि ये तो छूना भी मना है इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको अलग रेस छोड़ दें। कलर को दिखलाया जाए, देखिए किस तरह से फुसकार रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए जाने दीजिए। साथियों कभी भी फ्री हैंडलिंग ना करें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।